कोई नहीं लेटता है। तो यहाँ पे पूरे कंबल और उड़ने वाली जो रजाई है उसको रख दिए हैं, और दोनों रूम आगे के खाली हैं। और मेरे यहाँ ना लाइट जा चुकी है, लाइट बिल्कुल, मतलब कि सुबह से गई, सुबह से क्या, हमें लगता है कि 8-9 बजे रहे होंगे तभी लाइट चली गई है और फिर से नहीं आई है। और यहाँ पे कपड़े भी डले हुए हैं, वॉशिंग मशीन में धुल तो गए थे, बस खंगालना था। और लाइट भी नहीं आई कि टंकी के पानी से उसको हम खंगाल दें और फिर डाल दें धूप में। तो कपड़े भी फंसे हुए हैं मेरे। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ का जो बेड है तो इस पर हमें अभी बेडशीट लगानी है। और मैं ये गद्दा जो देख रहे हैं ना, मैं अभी फिर हाल में जल्दी ही बनवाई हूँ इसको, तो अच्छा बन गया है। पैसा तो लगा लेकिन अच्छा बन गया है, मन का हो गया है गद्दा, देखिए। और यहाँ पे मैं पिलो पे कवर चढ़ा दी हूँ, बस बेडशीट बिछाना है हमें, तो इसको सबसे पहले बिछा लेती हूँ फिर और काम करते हैं। और मैं आप लोगों को एक सलाह देना चाहूँगी कि आप जब भी बेड मतलब डबल बेड के लिए गद्दा बनवाएं तो सिंगल ना बनवाएं, उसमें डबल बनवाएं। डबल बनवाने में क्या होता है कि हम लेडीज लोग को जब भी मन करता है धूप में डालना या इधर उधर करना, खिसकाना हुआ तो हम आसानी से लेडीज लोग कर सकते हैं, डबल रहता है। और सिंगल रहेगा ना तो फिर तो जेंट्स लोगों को ही हाथ पैर जोड़ना पड़ेगा, तो डबल तो हम लेडीज लोग से उठेगा ही नहीं। और जैसे डबल गद्दा रहता है ना तो हम नीचे का ऊपर कर दें, और जिस साइड में ज़्यादा हम बैठते हैं तो उस साइड में गद्दा जो है ना दब जाता है, तो उसको हम थोड़ा सा इधर उधर चेंज कर सकते हैं। और पिलो पे जो कवर चढ़ी हुई है उसकी सिलाई खुल गई है, हमें उसको भी सिलना है। मैं सबसे पहले तो यहाँ पे ना लाइट बंद कर देती हूँ, क्योंकि इन्वर्टर की लाइट है और सुबह प्रेस लगा लिए थे तो इन्वर्टर भी थोड़ा सा बैठ गया है। तो अभी हम आ गए हैं आगे वाले रूम में, और पिलो कवर की जो सिलाई खुली हुई है इसको हम सुई धागा से सिल लेंगे। तो अभी ये जब हम चढ़ा रहे थे ना पिलो पे तो फिर अभी अभी खुली है, और पहले खुली होती ना तो मैं सिलाई मशीन से सिल देती, मजबूत हो जाता। और मैं चढ़ा दी हूँ तो मैं सोच रही हूँ क्या निकाल के सिलाई मशीन से सिलूँ, तो अभी तो ऐसे टाक दे रही हूँ सुई धागा से। और जब फिर मैं धुलने के लिए निकालूँगी और धुलूँगी तो एक दो पिलो कवर और है जिसकी सिलाई खुली हुई है वो, और उसका कुछ ज़्यादा ही खुल गया है, तो उसको अभी मैं फिलहाल में धुल के डाल दी हूँ, वैसे रख दूँगी। और इसको भी फिर सिलाई मशीन से सिल दूँगी, और मैं यहाँ पर लगा दे। और आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसके लिए दिल से थैंक यू, आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। मैं भी जितना हो सकेगा मुझसे, मैं भी आप लोगों को सपोर्ट करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। और यहाँ पे मैं रख देती हूँ पिलो और कुशन को सेट करके रख दूँगी, बस थोड़ी ही देर सेट रहेगा और जैसे दोपहर में सब लोग आएंगे वैसे ही फिर लेटेंगे। और लेटने का मतलब तो फिर तो बेड इधर उधर हो ही जाता है, बेडशीट भी खिसक जाती है और पिलो कवर भी इधर उधर रख देते हैं। और अभी ठंडी है तो रजाई भी कंबल भी ओढ़ने के लिए ले लेते हैं, तो बेड तो और ज़्यादा ही देखने में ख़राब दिखता है। और गर्मी में रहता है तो ओढ़ने वगैरह कुछ नहीं रहता है, तो फिर थोड़ा सा बेड ठीक ठाक। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में भी बहुत सारे काम रहते हैं, कुछ काम तो मैं कर ली हूँ और कुछ कुछ बाकी है। तो सब लोग ब्रेकफास्ट करके चले गए थे, और गुड़िया का जो है रखा हुआ था, गुड़िया बहुत जल्दी जाती है तो सुबह खा के नहीं जाती है, और वही जो टिफिन में लेके जाती है बस वही उतना खाएगी, तो सुबह बच्चे तो खाते ही नहीं हैं। तो हम तीनों ब्रेकफास्ट कर लिए हैं। यहाँ पे रखा हुआ है मलाई, तो इसका संजोग नहीं लग रहा है, और आधा ही मैंने मलाई फेंटा था, आधी मलाई अभी रह गई है फेंटने को। तो डेली यही लाइट के ना टंकी रहती है, जब करने चलो ना तो लाइट चली जाती है, तो इसका जो है ना संजोग ही नहीं लग रहा है। और मैं यहाँ पे
निकाल लेती हूँ पत्ता गोभी सब्जी बनाने के लिए। तो दोपहर में बनेगी पत्ते गोभी की सब्जी। और ये बोल के गए थे कि मैं घर में खाऊंगा, तो मूली ले आए थे, उसकी पत्तियां बहुत अच्छी थी, तो बोले थे कि थोड़ा सा बना देना, तो वही मैं धुल के रख देती हूँ, इसको भी बना दूंगी। और बनाए थे, सब चीज़ बनाए थे, लेकिन खाने नहीं आए, वहीं पे ही खा लिए, घर में नहीं खाए। और फिर जब खाना बनाइए ना तो नहीं खाते हैं ना, तो बहुत तेज़ गुस्सा लगती है। फिर हम लोग रहता है तो कुछ भी बना के खा लेते हैं, लेकिन जब ये खाते हैं घर में जेंट्स लोग रहते हैं, तो चलो उनके लिए तो चारों चीज़ें बनानी पड़ती है, और हम लेडीज लिए अपने लिए तो कुछ भी बना लेते हैं। आप लोगों को पता है इसको क्या बोलते हैं? मेरे यहाँ तो इसको गंजी बोलते हैं और यहाँ पे शकरकंद बोलते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग के यहाँ क्या बोलते हैं इसको। तो चीज़ तो वही रहती है, बस नाम अलग अलग रहते हैं। तो इसको मैंने सुबह ही उबाल दिया था और जिसको खाना था वो खा लिया, सभी लोग खा लिए, बस गुड़िया नहीं है, तो गुड़िया आएगी तब खाएगी। और आया था सिलेंडर की गाड़ी, सिलेंडर भी लेना था, सर ले गए थे, तो वही फिर वापस दे रहे हैं, गाड़ी वाले आए हैं सिलेंडर दे रहे हैं, तो वही मैं भाभी से बात करने लगी। तो कुछ कुछ बातें ऐसे होती हैं कि हम सोशल मीडिया पे नहीं शेयर कर सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे म्यूट कर दी थी जो आप मैं बातें कर रही थी। और मैं यहाँ बेडरूम में बैठ के सब्जी काट रही हूँ, और आप लोग सोचेंगे कि मैं बेडरूम में बैठ के क्यों सब्जी काट रही हूँ, क्योंकि लाइट नहीं है, और जब लाइट नहीं रहती ना तो मैं जैसे वीडियो शूट करती हूँ तो यहीं पे बैठ के सब्जी काटती हूँ, और सामने से अच्छा उजाला आ जाता है। बालकनी का जो दरवाज़ा है, जाली है, उसे खोल देती हूँ तो अच्छी खासी रोशनी आ जाती है, फिर लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे तो इन्वर्टर है, जला भी सकती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सब्जी वगैरह मेरी बन गई है और बस मुझे रोटी बनानी है। तो अभी घर एकदम साफ सुथरा दिख रहा है, और जैसे ही दोपहर होगा एक एक करके आना शुरू होंगे ना, तो फिर तो रूम की जो दुर्दशा है ना वो देखते ही नहीं बनेगी। और सुबह से लाइट गई है, अभी तक बिल्कुल नहीं आई है, जबकि लाइट के बहुत सारे काम होते हैं, नहीं आई है तो क्या कर सकते हैं ना। यहाँ तो आदत बन गई है, ऐसे लाइट तो जाती रहती है। और जहाँ हम पहले रहते थे ना, वहाँ तो याद ही नहीं रहता था कि लाइट कब गई है। तो यहाँ तो आदत हो गई है, 2 साल हो गए यहाँ पे आए, तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा लाइट जाती है। गाँव से भी गई गुजरी लाइट है, तो इस तरह की यहाँ की लाइट है। तो ठीक है, बातें बहुत हो गई, आप लोग को बोलती हूँ बाय बाय।